एक नई वीडियो के साथ फिर से मैं और वैभव आ गए हैं यहाँ पर खाने मूंगलेट पिज्जा। वैभव, तुमने कभी मूंगलेट खाया है? नहीं। ऑमलेट खाया कभी? नहीं, मैंने नहीं खाया। आज आप लोगों को हम लोग दिखाएंगे कि वेज मूंगलेट अगर हम लोग खाते हैं और ऑमलेट का टेस्ट कैसा होता है। अगर आप ये खाना चाहते तो आपको आना पड़ेगा विष्णु दिगंबर मार्ग है, वहाँ पर ये है गुरु चेला मूंगलेट पिज्ज़ा। तो हम लोग अभी खाने वाले हैं और यहाँ पे अभी बात करते हैं इनके ओनर से, उसके बाद जो भी इनकी डिशेज है उसमें से बेस्ट हम लोग चूज करके आप लोगों को दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या बढ़िया मिलता है। चले फिर चलते हैं। चले तो भैया, कितने टाइम से आप लगा रहे हो यहाँ पे? मेरे को 4.5 ईयर हो गया भैया यहाँ। तो अब घर पे बनाने खाने का शौक था मुझे। तो घर पे मैं चीला बनाता था। हाँ, चीले से थोड़ा सा अलग हटके मेरे को कुछ करने का मन करा। मैंने इसे मोटा बेस बनाया। हाँ, इसके अंदर स्टफिंग करने की सोची। पहले 2-4 बार नहीं बना। हाँ, धीरे धीरे करते करते सब इसके अंदर इन्वेंशन होता चला। और आज आप मूंगलेट पिज्ज़ा बना रहे हो? यस। मूंगलेट तो लोग खाते हैं लेकिन मूंगलेट पिज्ज़ा नहीं बनता है। तो आपकी जो प्राइसेस है वो कहाँ, कितने रुपए में मिले सर? 50 स्टफ, 70 चीज़, 100 चॉकलेट, 150 गार्लिक ब्रेड, कटलेट रोल, मूंग दाल भुजिया, ये सब आप? यस, ये सब आप बनाते हो? यस। तो मतलब 50 से लेके मैक्सिमम 150 तक आपका सारा का सारा आइटम जाता है। और जो सारी की सारी प्रिपरेशन है हम लोग देख सकते हैं वो बनी है अमूल बटर में। यार हो गया। और आपकी टाइमिंग क्या है? मेरा टाइमिंग इवनिंग 4 to 9:30। बस हो गया, हमारे लिए 15 इसके साथ टाइमिंग मिल गया 4 बजे से लेकर 9:30 रात के। और डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ का लोकेशन का लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ पे जाओ और यहाँ पे आने के लिए क्लिक करो और आप आराम से यहाँ पे आ सकते हो। तो ये आ गया हमारे सामने अभी मूंगलेट का पिज़्ज़ा, और साथ में इन भैया ने अभी शुरू किया है यहाँ पे मुरादाबादी दाल। तो अब हम दोनों ये ट्राई करने वाले। भैया तुम क्या ले रहे हो सबसे पहले? मैं पहले सबसे पहले दाल ट्राई करूँगा। करो, मैं पिज़्ज़ा ट्राई करता हूँ मूंगलेट का। हरी चटनी के साथ सबसे पहले जो टेस्ट आया वो आया अमूल बटर का, उसके बाद इसके अंदर जो चीज़ थी वो, और माइंड ब्लोइंग स्टफ जो था इनका, इतना ज़्यादा फ्लफी है ना, खा के देखो बहुत अच्छा स्टफ है इनका। अल्टीमेट एक्सपीरियंस है यहाँ पे आकर। जो मैंने फर्स्ट बाइट खाई है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा है। कैसा लग रहा है? ये बहुत अमेजिंग टेस्ट है। अब पैक कर, एक्चुअली जब बहुत अच्छा है, नॉर्मल पिज्जा से बहुत बहुत अच्छा है, सच में बहुत अच्छा है। एक्चुअली हम लोग जब कहीं जाते हैं तो मोस्टली क्या होता है, मैं पैक कराता हूँ। आज के तुम पैक कराने वाले हो? बिल्कुल, ये पैक होने वाला है आज। आज पैक जो होने वाला है दोनों के लिए होने वाला है। बिल्कुल, अब मैं मुरादाबादी दाल ट्राई करता हूँ। मूंग दाल थी, मूंग दाल थी और इसमें इन्होंने नींबू डाल रखा है, ऊपर से मसाला डाल रखा है। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हो इसे आकर खाइए। इसमें बहुत ही थोड़ा सा मक्खन डाल रखा है, इसका टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ऑसम आ रहा है। यहाँ पे आना वर्थ रहा ना? बिल्कुल, एकदम वर्थ रहा। लास्ट वीडियो की तरह जिसमें हम चीज़ पिज़्ज़ा और चीज़ गोलगप्पे में खो गए थे, ऐसे ही आज हमने जो खाया वो भी लाजवाब है। बिल्कुल लाजवाब, सच में ना। यहाँ पे आना वर्थ रहा, सच में। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। मैं आपको दिखाता हूँ इसमें स्टफिंग में क्या क्या है। प्याज, टमाटर, गाजर और बहुत सारा चीज़। और इसमें कैप्सिकम भी डाला था ऊपर। इन्होंने दोबारा से यही मिक्सचर डाला और फिर से क्या, इन्होंने चीज़ लगा दिया। तो आप खुद देख सकते हो कि ये कितना अच्छा है। स्टफिंग और फ्लफनेस इसकी बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो मेरे साथ है भैया, अभी इन लोगों ने मेरे से पहले यहाँ पे मूंगलेट का पिज़्ज़ा खाया है। तो भैया बताओगे आपने कौन सा वाला खाया था अभी? चीज़ स्टफ मूंगलेट पिज़्ज़ा खाया था। कैसा लगा आपको? ऑसम है। जब भी इधर से निकलता हूँ तो हमेशा खाता हूँ। आप कितने टाइम से खा रहे हो यहाँ? देखिए, हो गए अप्रोच, जब से स्टार्टिंग हुई थी तब से, उसके 1 महीने बाद ही फर्स्ट टाइम मैं यहाँ से जा रहा था। अच्छा, कब खाया था मैंने? मतलब अब
मतलब जब भी मैं इस रूट से निकलता हूँ ऑफिस आप खाते ही जाते हो तो हमेशा। इसके अलावा आपने कहीं और खाया? अभी दिल्ली में, क्योंकि इनके रिव्यूज ही इतने, तो जब भी YouTube सर्च करो तो YouTube पे मिलते हैं। आपसे पहले भी एक बार मैं आया था तभी यहाँ की बनती रहती है, बनती रहती है। ये मुरादाबादी दाल अभी हाल फिलहाल 6-7 महीने आपको, ये भी औसम है। चलो हम लोग भी मूंग दाल खाते हैं, आप आइए ना हमारे साथ पिज्जा ट्राई करिए। अरे मैंने अभी बोल हो चुके हैं, आप आइए एंजॉय करिए।